हम चीजें क्लियर होते गई कि 31 दिसंबर 2014 को जो पहला कानून के रूप में आया उसमें जो हम लोग सबको याद करते हैं जो अपने आम जनता के अधिकारों की बात करते हैं और ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो बहुत तो लंबे लड़ाई के बाद हम लोगों ने देश के लिए एक कानून बनाने के लिए सरकार को चाहे यूपीओ गवर्नमेंट हो अगर कोई भी हो उनको हम लोगों ने मजबूर किया था और जो 1894 का जो जमीन अधिग्रहण कानून था जो अंग्रेजों के तर्ज पर वो पूरी तरह से कठोर कानून था और जमीन मालिकों से गांव वालों से बिना पूछे ही बिना उनके इजाजत के ही जमीन अधिग्रहण वो किया जाता था और पूरे दमन के साथ किया जाता था तो लंबे समय से उनको बदलने के लिए पूरे भारत की जनता वो संघर्ष कर रही थी और उसके बाद 2013 में मुझे जहाँ तक याद है कि पूरे देश की जनता जो अमन चैन चाहती है जो भारत की भाषा और संस्कृति विविधता में एकता की बात करती है वहाँ के जंगल और जमीन की बात करती है नदी और पहाड़ के साथ विकसित होने की बात करती है सबकी सहमति से 2013 में कानून आया था भू जमीन अधिग्रहण कानून रिसेटलमेंट एंड जमीन अधिग्रहण और पुनर्वास कानून था और उसमें 2014 में 31 दिसंबर को उसको अमेंडमेंट करते हुए जो जमीन अधिग्रहण अध्यादेश लैंड ऑर्डिनेंस आया वो हम लोगों के लिए बहुत ही पूरा भारत देश के लिए एक मैंने पीड़ादायक था और उन तमाम कानूनों के बारे में मुझे लगता है आप लोगों ने भी उन चीजों को देखने का कोशिश किए हैं कि उन कानून में जो 2013 में भारतीय संविधान हम लोग एक तरफ हम लोग कहते हैं आजाद भारत की बात करते हैं और आजाद भारत में के नागरिक होने के नाते हम लोग हमेशा 26 जनवरी को और 15 अगस्त को हम लोग अपने तिरंगा झंडा के नीचे आके जनगण मन की का गीत गाते हैं और हम अपने देश को सैल्यूट करते हैं लेकिन जब वो कानून आया लैंड ऑर्डिनेंस आया तब हम लोगों के दिमाग सबके मन को झकझोर दिया असली की भारतीय संविधान के पांचवी और छठी अनुसूची में गांव को जो अधिकार मिला है गांव के ग्राम सभा को जो अधिकार मिला है और जो नेचर बेस्ड सोसाइटी है आदिवासी समाज है जो जंगल में जंगल के साथ जीते हैं और खेती किसानी करके पूरे देश को अनाज खिलाते हैं अनाज देते हैं ऐसे समाज के लिए ये कठोर कानून ऑर्डिनेंस में लेके आया और ये जो पांचवी अनुसूची में जो गांव सभा को अधिकार दिया गया था कि जमीन अधिग्रहण करने के पहले ग्राम सभा से इजाजत लेने की जो बात कही गई थी उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और पांचवी अनुसूची के में जो कानून दिया गया था उसमें ये भी था जमीन अधिग्रहण कानून 2013 में भी था कि बहुफसली जमीन को हम किसी भी तरह में इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए तो या तो नन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हम ले नहीं सकते हैं ये वो उसमें भी कानून में था लेकिन और उसमें ही कानून में था हम लोग कंपनी एक्ट में भी देखते हैं या तो हम लोग ये जो जमीन अधिग्रहण कानून 2013 में भी हम लोग देखते हैं कि उसमें एक बड़ा कानून था उसमें कहा गया था कि जो जमीन लेने के पहले जिस भी पर्पस के लिए जमीन लिया जा रहा है वो जमीन लेने के बाद आजू बाजू के गांवों में आजू बाजू के पर्यावरण में कौन सा इम्पैक्ट पड़ेगा उसके लिए गवर्नमेंट ने प्रावधान किया था सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट लेकिन 2013 के कानून में गांव को जो अधिकार दिया गया था जमीन अधिग्रहण के लिए अपनी सहमति देने के लिए वो भी खत्म हो गया बहुफसली जमीन या तो एग्रीकल्चर लैंड को नन एग्रीकल्चर पर्पस में यूज नहीं किया जा सकता है वो भी खत्म हो गया और सोशल असेसमेंट का जो प्रक्रिया था उसको भी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया ऐसे परिस्थिति में हम लोगों को महसूस होने लगा कि उसमें जो जमीन अधिग्रहण अध्यादेश था उसमें जो नौ अमेंडमेंट आया वो जो नौवां जो अमेंडमेंट था और उसमें दो उपनियम आए इन तमाम चीजों को मिला के देखा जाए
तो मैंने कहीं भी गांव के किसानों के लिए और उनके अधिकार के लिए और पर्यावरण का संरक्षण के लिए और ह्यूमन राइट्स के लिए कहीं भी जगह नहीं था। इसको देखते हुए पूरे देश की जनता ने ये तय किया कि नहीं, हम इस कानून को किसी भी रूप में हम बदलने नहीं देंगे। और वो इसलिए किया गया मित्रों, मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों के बीच में नई बात हो रही है कि ये तमाम जो कानून जो ऑर्डिनेंस लाया गया, इजीली जितने भी पूंजीपति हैं उनको जमीन हस्तांतरण करने के लिए ही वो तमाम कानून लाया गया। और उसमें लगातार मैंने झारखंड के साथ देश में जितने भी ने ह्यूमन राइट्स के ने के लिए जो लड़ने वाले हुए हैं, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, सारे लोगों ने उसके को रोकने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। और हम लोगों को याद है कि हम लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर में आके पार्लियामेंट स्ट्रीट में लगातार उसके खिलाफ में संघर्ष किए। और मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, शायद आप लोगों को मेधाता वगैरह सारे लोगों ने बताए होंगे कि चिलचिलाती गर्मी में भी दिल्ली के दिल्ली में मई और जून महीना में लगातार पार्लियामेंट स्ट्रीट में 1,00,000 लोगों का जमा होना और 1,50,000 लोगों का जमा होना और सुबह से शाम मैंने धूप में रहना कितना कष्टदायक होगा। लेकिन बावजूद भी लगातार हम लोगों ने जो विपक्ष के पार्लियामेंट लीडर हैं और जितने भी और पार्लियामेंट लीडर के साथ और भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, उन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी लगातार उन लोगों के साथ बैठते रहे और हम लोग उन्हें सवाल करते रहे कि आप लोग ये बताओ कि आप किनके साथ हो, देश के किसानों के साथ हो, देश के आदिवासियों के साथ हो, एनवायरनमेंट के साथ हो, और देश के मेहनत कर जनता के साथ हैं, या तो आप लैंड ऑर्डिनेंस के साथ हैं। आपको आज तय करना पड़ेगा। मेरे मित्रों, आप लोगों को गर्व के साथ हम कहना चाहेंगे कि हम तमाम साथियों का बात लगातार का संघर्ष का एक परिणाम निकला कि नरेंद्र मोदी की सरकार को कहना पड़ा कि वो 2 बार ऑर्डिनेंस लेके आया और दोनों बार में लोकसभा में उनकी सरकार बहुमत में होने के नाते उन्होंने बार बार पास किया, लेकिन राज्यसभा में हम लोगों ने लगातार हस्तक्षेप किया। लगातार हस्तक्षेप के बाद रिजल्ट आया कि उसको कानून के रूप में पास नहीं होने दिया गया। और उसके बाद सरकार को कहना पड़ा कि आप मैं तीसरी बार ऑर्डिनेंस नहीं लाऊंगा। लेकिन उसके बाद मैंने उन्होंने ये कहा कि इस ऑर्डिनेंस को हम खारिज नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस ऑर्डिनेंस के तहत में जो भी राज्य सरकारें अपना कानून चलाना चाहती हैं, राज्य को चलाना चाहते हैं, उसके आधार पर राज्य का कानून चलाने में हम केंद्र सरकार होके मदद करेंगे। आज बड़ा दुर्भाग्य की बात है, ऑर्डिनेंस ने खत्म नहीं हुआ, उसको कैंसिल भी नहीं किया, पास नहीं होने दी है इस देश की जनता ने। लेकिन दूसरे तरफ से इसी ऑर्डिनेंस के तर्ज पर और इसी के आधार पर जहां मैं झारखंड से आती हूं और पूरे देश में 12 ऐसे स्टेट हैं इंक्लूडिंग झारखंड, 12 राज हैं जो मिनरल रिच स्टेट माने जा रहे हैं। और इस 12 जो मिनरल रिच स्टेट के लिए आज मैं ये कहना चाहूंगी, जहां से मैं बिंग आदिवासी और बिंग किसान परिवार से आती हूँ, आज अगर हम पूरे देश का जो मिलियन ये हैं पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को आखिर अनाज कहाँ से मिल रहा है, ये हम सवाल करते हैं। और हमारे ये सवाल है कि अगर हम पानी पी रहे हैं शुद्ध पानी, तो कहाँ से हम पी रहे हैं? अगर हमको ये शुद्ध हवा मिल रहा है पूरे देश की जनता को, वो कहाँ से मिल रहा है? तो निश्चित रूप से शुद्ध पानी मिल रहा है तो देश में, जिस परिभाषा को मैंने तभी शुरुआत में कही कि हम आज भारत का परिभाषा हम एक महानगर में और एक घेरे में देख के हम भारत को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। असली कि भारत को हम लोग पहले से ही जानते हैं कि भारत गांवों का देश है और भारत की जनता 80% जनता गांवों में निवास करती है और भारत एक ऐसा देश है। आज भी वहां भारत के 70% जो जनता है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है और वही एग्रीकल्चर पर जो डिपेंड एग्रीकल्चर के साथ जो जुड़ी हुई जनता है, उन्हीं के बदौलत आज हम ये जो भारत के नागरिक
चाहे हम जो भी हम कभी शायद नहीं सोचते हैं, मैं हमेशा ये सवाल को खड़ा करती हूँ कि हम मने जब खाने के लिए मने हमेशा नाश्ते में हम बैठते हैं तो अपने टेबल में जो जाओ की रोटी रहती है या तो मक्के की जो रोटी रहती है, आटा की जो रोटी रहती है, हम कभी नहीं सोचते हैं कि एक रोटी में कितना अनाज होगा, कितना गेहूं उसमें मिला होगा हुआ होगा और कितना गेहूं को पीस के उसका आटा मिलके एक रोटी बना होगा, हम कभी नहीं सोचते हैं। और कभी हम नहीं सोचते हैं जब हम चावल खाते हैं, चाहे जिस भी चावल की हम बात करें, एक थाली में हम एक कटोरी में चावल लेके खाते हैं तो शायद कभी हम सोचते नहीं है कि इस थाली में जो अनाज है एक एक दाना दाना वो किस खेत का होगा, भारत के किस कोने का वो कौन सा खेत का होगा, किस मट्टी का होगा और इस अनाज को एक दाना को किस किसान ने उगाया होगा, शायद हमने कभी नहीं सोचा होगा। हम खाते हैं बड़ा टेस्ट के साथ, अगर टेस्ट नहीं लगता है तो हम उसमें टेस्ट बढ़ाने के लिए कहते हैं कि इसमें शुद्ध घी और डाल दें तो सर टेस्ट बढ़ जाएगा, लेकिन हम कभी नहीं सोचते हैं कि ये कौन नदी का पानी से सींच के ये अनाज पला बढ़ा और पौधा हुआ और फिर से उसमें अनाज पैदा हुआ। मेरे मित्रों हमने कभी नहीं सोचा, लेकिन मैं उस भारत को सोचने की बात कर रही हूँ और हम उस भारत की परिभाषा, उस भारत के नागरिकों को फिर से हम परिभाषित करें जिसमें हम आजाद भारत को देखते थे, आजाद भारत की जनता को हम लोग देखते थे और आजाद की स्वाधीनता को देखते थे और स्वाधीन भारत की बात हम लोग करते थे। लेकिन आज हम लोग, मैं पीड़ित जनता के तरफ से खड़ी हूँ या तो हमारे जो भी मित्र आपके बीच में आते हैं उस पीड़ित जनता के बीच से आते हैं, आज जो भी कानून है, आज अगर 1700 कानून बदले गए तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि इस भारत के लिए, कि हम किसानों के लिए कानून नहीं बदल पाए, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट के लिए कानून नहीं बदल पाए, हम पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए और उसका डेवलपमेंट के लिए कानून नहीं बना पाए, हम आदिवासियों को मैंने उनका डेवलपमेंट के लिए कानून नहीं बना पाए, हम वहां पे जो मेहनत कश दलित समुदाय है उनके डेवलपमेंट के लिए हम कानून नहीं बना पाए, आज हम कानून बना रहे हैं तो सिर्फ कॉर्पोरेट जगत के लिए बना पा रहे हैं, आज ये दुर्भाग्य की बात है। और मैं जहां से आई हूँ, आज भारत में झारखंड को अगर मिनरल रिच स्टेट के नाम से जाना जाता है तो आज मैं झारखंड से की तरफ से आई हूँ आप लोगों के बीच में, और मैं ये बात कह रही हूँ कि आज झारखंड और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा आज पूरी तरह से आज वहाँ की जनता त्राही त्राही वो जीवन जी रही है, आज वो सवाल कर रही है क्या हम भारतीय संविधान के भीतर में जहाँ पर मानव अधिकार की बात कही गई है और भारतीय संविधान में जो अधिकार हमारे लिए हमारे लिए प्रावधान किए गए हैं, क्या उस अधिकार क्षेत्र में हम जीते हैं या नहीं जीते हैं, हमारे लिए ह्यूमन राइट्स का मतलब इस भारतीय संविधान में है या नहीं है, और जो ह्यूमन राइट्स के नाम से जो संविधान में जो अधिकार दर्ज हैं उसके दायरे में हम आते हैं या नहीं आते हैं, ये आज हम लोग सवाल करते हैं। 2016-17 में लगातार ये सवाल हम लोग बार बार कर रहे हैं। झारखंड में आज जिस तरह से जमीन आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, किसानों के लिए, आजादी के पहले से हमारा जो आदिवासियों का इतिहास अलग तरह का इतिहास है, हम झारखंड के इतिहास केवल नहीं कह रहे हैं लेकिन पूरे देश के में आदिवासियों के इतिहास को हम देखेंगे तो पूरी तरह से अलग है। आज भी पूरे देश में हम देखेंगे कि जंगल वहीं पर है जहां पर आदिवासी समाज है और आदिवासी समाज वो सदियों से जंगल के साथ, जमीन के साथ, जंगल काट के उन्होंने जमीन को आबाद किया है, गांव को बसाया है और जहां गांव को बसाया है ये हैरानी की बात है कि उन्होंने कभी भी उनके हिस्ट्री में आप जाएंगे आदिवासियों के हिस्ट्री में तो जमीन को कभी भी ये नहीं कहा कि हमारी प्रॉपर्टी है, कभी भी नहीं कहा। जमीन को, जंगल को, नदी को, पहाड़ को हमेशा आदिवासियों ने अपना हेरिटेज माना और हमेशा ये कहा कि ये नॉन प्रॉफिटेबल है, ये सेलेबल नहीं है, इसको बेच नहीं सकते हैं, ये कमोडिटी नहीं है। लेकिन आप उसी के तहत में आप पूरे देश का इतिहास को देखेंगे कि आदिवासी समुदाय जब जमीन की बात करते हैं तो उसमें कोई एक व्यक्ति का जमीन पर अधिकार नहीं होता है, पूरे कलेक्टिव मैंने सोसाइटी का अधिकार होता है, जंगल पर कलेक्टिव अधिकार है, नदी पर कलेक्टिव अधिकार है,
और आज जब हम देख रहे हैं तो आज जो लैंड ऑर्डिनेंस लाया गया उस ऑर्डिनेंस में जो जो भी रहा सहा आजादी के पहले अंग्रेजों ने आदिवासी समाज के हाथ से जमीन को छीनने का काम किया, जंगल को छीनने का काम किया, जो हमारा जिसको हम कम्युनिटी नहीं मानते थे, प्रॉपर्टी मैंने निजी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं मानते थे, लेकिन बाद में उसको इंडिविजुअल प्रॉपर्टी में डिवाइड करने का काम किया गया, बावजूद भी आदिवासियों का सोच को, उनके आइडियोलॉजी को, उनके संघर्ष को और सामाजिक मूल्यों को देखते हुए अंग्रेजों को भी आदिवासी समाज के सामने, उनके राइट्स के सामने उनको झुकना पड़ा। और झारखंड में ये बड़ा गर्व के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि 1856 का दशक भी हम देखेंगे तो शायद उस समय सुभाष चंद्र बोस कहीं दिखते थे या नहीं दिखते थे, इतिहास में हम लोगों को ढूंढने की जरूरत है, लेकिन 1856 में उस समय भी आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ा और जलियांवाला बाग का कांड बाद में हुआ, लेकिन 30 जून अभी ये 30 जून कल परसों आने वाला है, झारखंड के इतिहास में, देश के इतिहास में 30 जून को हमारे आदिवासियों ने संथाली इलाके में 30 जून को 25,000 से 30,000 आदिवासियों को अंग्रेजों ने अपने बंदूक के गोलियों का निशाना बनाया था भोगना डी में, और 30,000 आदिवासियों ने सीने में गोली खाया था, लेकिन देश की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के सामने कभी भी पीठ दिखा के वो हमारे आदिवासियों ने भागा नहीं। ये इतिहास आदिवासियों का है देश के को आजादी दिलाने में, और वही इतिहास है 1900 तक जाता है, और बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी से लेके आज तक भी वही मने हम लोग ये करते हैं कि हमारा कभी भी हमारी धरती प्रतिरोध की धरती रही है, अंग्रेजों के सामने भी हम लोग गुलामी को स्वीकार नहीं किए, आज भी जंगल जमीन बचाने के लिए, पानी बचाने के लिए हमारे समाज आदिवासी समाज निरंतर लड़ते रहा है, हम कहीं सरकार के सामने झुकने का काम नहीं किए। और उन्हीं चीजों को देखते हुए अंग्रेजों ने देखा कि आदिवासियों को हक देना चाहिए, और उनके हाथ से जो हमने जमीन छीना है और उनके बाद जो टैक्स वसूलने वाले जो उनके जो नुमाइंदे थे अंग्रेजों के, वो जब आए वो भी आदिवासियों के हाथ से बची खुची जो जमीन और जंगल को छीनने का काम किया, तब अंग्रेजों ने देखा कि आदिवासियों के साथ इसी तरह से होते रहेगा तो उनका हाथ से पूरा तरह से जमीन और जंगल खत्म हो जाएगा, तो उन्होंने 1908 में छोटानागपुर गश्तगरी अधिनियम बनाया हमारे आदिवासी इलाके के लिए, झारखंड के लिए, और उसमें कई ऐसा सेक्शन उन्होंने प्रावधान किया कि आदिवासियों का जमीन, आदिवासियों का जंगल और ये फिफ्थ शेड्यूल का जमीन और जंगल को बाहर के जो आबादी होगी वो खरीद और उनके हाथ में बेच नहीं सकती है। लेकिन उसके बाद भी विकास के नाम से आज तक का अगर हम आंकड़े देखेंगे 1 करोड़ से ज्यादा आदिवासी अपना जल जंगल जमीन से खो दिए हैं, डिस्प्लेस हो गए हैं, और आज वो 1 करोड़ की आबादी कहाँ पर है, किस तरह से जिंदगी जी रही है वो किसी को पता नहीं है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए ही अंग्रेजों ने जो कानून बनाया वो कानून हमारे लिए, आदिवासियों के लिए, मूलवासियों के लिए, किसानों के लिए और जितने भी प्रकृति के साथ जो समाज जीता है और प्रकृति के से जो उपज पैदा करता है पूरे राष्ट्र के लिए, उनके अधिकारों को सुरक्षा करने के लिए छोटानागपुर गश्तगरी अधिनियम 1908 बना। उसमें मूल मूल कहा गया और उसमें ये कहा गया कि यहाँ पर जो एग्रीकल्चर लैंड है वो नॉन एग्रीकल्चर पर पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा सकता है, और उसी में कहा गया था कई प्रावधान किए गए थे जो मेन मेन चीज को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। जिस तरह से मैंने कंपनी एक्ट में भी जो प्रावधान किया गया है और जिस तरह से 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची में जो प्रावधान किया गया है, उसी तरह से ये CND एक्ट में भी आदिवासियों का जंगल और जमीन को लूटने से बचाने के लिए ये कानून बने थे, और उस कानून का सेक्शन 71 उसमें कहा गया था कि आदिवासी इलाके का जमीन को सिर्फ 2 पर्पस के लिए लिया जा सकता है, 1 माइनिंग के लिए और 1 उद्योग के लिए। लेकिन उसमें भी 5वीं अनुसूची के तहत में
वो जमीन तभी ले सकते हैं जब ग्राम सभा आपको, गांव के लोग आपको इजाजत देंगे, उनकी सहमति के बिना हम जमीन नहीं ले सकते हैं। और ये 71 में जो इंडस्ट्री माइनिंग के लिए और इंडस्ट्री के लिए जमीन लेने की बात कही गई थी, और ऊपर से ग्राम सभा का में जो अधिकार था, बावजूद भी जमीन जो मैंने कहा कि नहीं 1 करोड़ से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए अपने जंगल से, जमीन से, उसके बाद ये जो सेक्शन 46 में कहा गया है सीएनटी एक्ट का कि आदिवासियों का जमीन किसी भी कीमत में गैर आदिवासी वो नहीं ले सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने भारी मात्रा में आदिवासियों का जमीन गैर कानूनी तरीके से लोगों ने चीट करके जमीन खरीदने का काम किया। और वो सेक्शन 71 में कहा गया था, उसमें क्लॉज 2 जोड़ के कि आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी अगर गलत तरीके से खरीदते हैं तो उसके लिए एक स्पेशल कोर्ट मैंने चलाया जाता है, वो ट्राइबल इलाके में वो सीएस और वो कोर्ट डीसी के लेवल पे होता है एसएआर कोर्ट, और उस कोर्ट में ये सुनवाई होता है कि आदिवासियों का जमीन गैर कानूनी तरीके से किस तरह से खरीदा गया। अगर उस जमीन में बड़े बड़े अट्टालिकाएं बन गई हैं तो वो अट्टालिकाओं को वो ना तोड़ के उसको कंपनसेशन के तहत किस तरह से उसको सेटल किया जाता है, वो क्लोज 2 में था। और उसके बाद सेक्शन 21 में ये कहा गया था, सेक्शन 49 में, दो था कि जमीन माइनिंग के लिए और इंडस्ट्री के लिए लिया जा सकता है, और ये सेक्शन 21 में कहा गया था कि एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर पर्पस में हम उसको माने यूज के लिए नहीं ले सकते हैं, ग्रीन लैंड में ग्रीन लैंड को का नेचर हम बदल नहीं सकते हैं, वो सेक्शन 21 में था। और ये संथाल परगना कष्टकारी अधिनियम का सेक्शन 13 में, जो सेक्शन 21 छोटनागपुर कष्टकारी अधिनियम में था, सेम सेक्शन उसमें था। और मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि हरियाली को लेके और ये जो जंगल और पहाड़ की जो सुंदरता को लेके, या तो एग्रीकल्चर लैंड आज झारखंड में जो भी बचा है, तो ये सेक्शन 21 सेक्शन 13 को लेके ही आज जितना भी जंगल और जमीन बचा है। लेकिन आज के दुर्भाग्य की बात है कि आज 2016 हमारे लिए छोटनागपुर के झारखंड के आदिवासियों के लिए जिस तरह से मैंने कहा गया था कि 1700 कानूनों में मैंने बदलाव लाया जाएगा, आज झारखंड के लिए ये एक तबाही का कानून, 2016 में एक कानून, पहला कानून लाया कि वहां पर डोमिसाइल का कानून लाया। और डोमिसाइल का कानून में जो कहा गया था कि उसमें मूलतः ये है कि वहां कि जो भाषा और संस्कृति और वहाँ के इतिहास के आधार पर वहाँ का डोमिसाइल पॉलिसी को तय करने की बात कही गई थी, लेकिन सरकार ने डोमिसाइल की पॉलिसी को उस तरह से मैंने आइडेंटिफाई नहीं किया, और उन्होंने कहा कि 30 साल से जो भी यहाँ रहते हैं सबको यहाँ के झारखंडी होंगे। तो ये जो बात आई तो झारखंड के आदिवासियों का, वहाँ के किसानों का जो उनका ट्रेडिशनल राइट्स था, वो वहीं पर से पूरी तरह से खारिज होना शुरू हो जाता है। और आज की तारीख में जो डोमिसाइल पॉलिसी आया है वो पूरी तरह से आदिवासियों और वहाँ के किसानों के विरोध में, वहाँ के दलितों के विरोध में ये कानून बन के आगे खड़ा हुआ है। और उसके साथ ही 2016 में ये सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट में जो अमेंडमेंट आया, आप लोगों को मैं कहना चाहती हूँ, आज हम लोग ने मैं बोलना शुरू की थी कि आज हम लोग ये सवाल कर रहे हैं कि हम भारतीय लोकतंत्र में हम भारतीय नागरिक हैं या नहीं। असली की भारतीय लोकतंत्र में भारतीय संविधान ने हर नागरिक को अपनी बात करने के लिए, अपने दुख में और सुख में अपनी अभिव्यक्ति के लिए एक आजादी दी है, पत्रकारों को अपना कलम से अपनी बात को करने के लिए आजादी है दी है, और कैमरा जो पकड़ते हैं विजुअल मीडिया वालों को कैमरा के द्वारा अपनी बात करने के लिए उनको आजादी दी है, और जो किसान है उनको प्रोटेस्ट करने के लिए आजादी दिया है, स्लोगन शॉटिंग करके अपनी बात को कहने के लिए आजादी
लिए है, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ जब इस अमेंडमेंट को लेके लगातार झारखंड के किसान, झारखंड के आदिवासी इस कानून का विरोध कर रहे हैं, और ये झारखंड भी आज की तारीख में बीजेपी गवर्नमेंट के हाथ में ही है, और इसीलिए सरकार को आसान हो गया कि नरेंद्र मोदी ने जो ऑर्डिनेंस लाया था उसी ऑर्डिनेंस के तहत में इस कानून को भी, जो झारखंड में कानून था सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट, उसको खारिज करने का सबसे बड़ा ताकत उनको मिला, और सरकार ने उनको एक हथियार के रूप में उसको इंप्लीमेंट किया। आज मैं आप लोगों को गिनाना चाहती हूँ कि सिर्फ 2 महीना 3 महीना 35 डेज में झारखंड में 3-4 गोली कांड हुआ, और 4 गोली कांड हुआ। हम लोग जुलाई से काउंट करेंगे तो जुलाई से लेके अक्टूबर तक में 4 गोली कांड हुआ। एक गोली कांड गोला में हुआ जिसमें 2 लोग मैंने किसान मारे गए। उसके बाद रामगढ़ में गोलीकांड हुआ, उसमें 3 किसान मारे गए। उसके बाद बड़कागांव में गोलीकांड हुआ, किसानों को जमीन मैंने जो रक्षा कर रहे हैं, जो कंपनियों को जमीन नहीं देने की बात कर रहे हैं, बड़कागांव हजारीबाग में गोलीकांड हुआ, उसमें 4 लोग मारे गए, उसमें माइनॉरिटी सोसाइटी के 4 मैंने छोटे छोटे बच्चे भी मारे गए। और उसके बाद 22 अक्टूबर को जब इस कानून के अमेंडमेंट के खिलाफ में एक बड़ी रैली रांची के राजधानी में पूरे 24 जिला के आदिवासी और किसान आ रहे थे कि हम इस अमेंडमेंट को स्वीकार नहीं करेंगे, और ये बात बोलने के लिए रांची के मोराबदी मैदान में जब आ रही थी, मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि हम देश के नागरिक हैं या नहीं, आपको भी इसको मैंने इस पर चिंतन करने की जरूरत है। जब 22 अक्टूबर को इस अमेंडमेंट के खिलाफ में रांची की राजधानी में लोग जमा हो रहे थे, मेरे मित्रों गांव-गांव में पहला मैंने अपने लाइफ में देखा कि पुलिस ने गांव-गांव को बैरिकेडिंग गांव-गांव में लगा दिया, हर सड़क में बैरिकेडिंग लगाया, और रांची की राजधानी को करीब 150 से 200 बैरिकेडिंग से चारों ओर घेर के रखा। और जब गांव वाले लोग बोलने लगे कि नहीं हम अपनी बात करने के लिए जा रहे हैं, तो खूंटी जिला में सोयको के पास बहुत मैंने सोची समझे तरीके से लोगों को फंसाया गया, और बात आगे बढ़ा, बात आगे बढ़ने के बाद वहां पर फायरिंग हुआ, और वहां पर एक व्यक्ति की मौत हुई, 5 लोग गंभीर रूप से इंजर्ड हुए, और 2-2 ने क्या बोलते हैं ऑपरेशन एक ही व्यक्ति का में, एक महिला भी थी उसके साथ, उनके गोद में बच्चा भी था, और उस महिला का एक पूरा 3 जगह हड्डी टूटा और उनके गोद में बच्चा। अब 22 अक्टूबर की बात है, और ऊपर से फायरिंग भी करती है सरकार, और दूसरे तरफ से उसमें घोषित करती है कि एक नक्सलाइटों का ग्रुप था, और उसमें फिर से सरकार अपना मनगढ़ंत कहानी बना के कि नक्सलाइट ये अटैक करने के लिए आ रहे थे, उसमें 10 लोगों पर नेम्ड एफआईआर होता है और 2000 लोगों पर अननोन्ड एफआईआर होता है, और फिर उसको लेके दूसरे दिन डेड बॉडी लेके लोग मतलब जब खूंटी में आते हैं और सरकार से अपनी मांग करते हैं कि सीएनटी एक्ट में किसी तरह का अमेंडमेंट स्वीकार्य नहीं होगा, और जितने मैंने ये फायरिंग किया गया, और फायरिंग में जो अब्राहम मुंडू की मौत हुई उनके परिवार को मतलब मुआवजा देने की मांग कही गई के लिए लोग आए, तब उसमें भी साजिश करके उनके बीच में सरकारी अधिकारियों ने, वो चाह रहे थे कि आज इस भीड़ के द्वारा थाना को जलवाया जाएगा और उस भीड़ के द्वारा कुछ ना कुछ कराया जाएगा, उसका गवाही उस मैं लाइफ में कभी भी इतना स्ट्रगल नहीं की जितना मैं उस दिन स्ट्रगल की हूँ कि तमाम चीजों को समेटने में, सरकार के और वहां के जो आरएसएस बैकग्राउंड के लोग हैं वो चाह रहे थे कि वहां पर बड़ा दंगा हो, लेकिन उसको बहुत मेहनत करने के बाद उसको शांत किया गया, लेकिन फिर भी अंतिम छोर में उन लोगों ने कुछ लोगों से पथराव जहां तहां करवाया, उसके बाद 20 लोगों पर नेम्ड एफआईआर हुआ और 7000 लोगों पर अननोन एफआईआर हुआ। मेरे मित्रों आज उसके बाद से लगातार हम लोग सीएनटी एक्ट में अमेंडमेंट के खिलाफ में जब भी हम लोगों ने जहां पर भी अपना
धरना के लिए हम लोग निकले, अपना रैली के लिए निकले। इवन गांव में हम लोग जब अपनी बात कह रहे हैं तब हम लोग जितना संख्या में रहते हैं उससे जब ज्यादा संख्या में सरकार हम क्या कह रहे हैं उसके लिए आईबी के लोगों को, महात्रा के स्टेट के लोग, इंटेलिजेंस के लोग को, सेंटर से लोगों को भेजता है और वहां पर हम क्या बोल रहे हैं, अपनी भाषा में क्या बोल रहे हैं, एक एक लाइन को वो लोग ट्रांसलेट करते हैं और उसके बाद इन्वेस्टर्स सबमिट हुआ। और हमारे यहाँ हमने जो संबुल में आया कि हाथी उड़ रहा है, और हाथी उड़ रहा है, गांव वाले लोग देखते थे, शहर आते थे तो हाथी का पंख निकला हुआ है और उड़ रहा है, लोग बोलते हैं कि ये हाथी कैसे उड़ रहा है, तो हम लोग बोलते हैं ये सरकार मैंने सरकार ये बोल रही है कि भारत में ऐसा मैंने प्रगति हो रहा है, झारखंड ऐसा प्रगति के मार्ग में जा रहा है कि जो इम्पोसिबल भी पॉसिबल हो रहा है। नेचुरली हाथी का डायना नहीं होता है लेकिन वो हाथी उड़ रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 5000 इन्वेस्टर झारखंड में आए थे और दो दिन में 210 कंपनियों के साथ एमओयू हुआ है, दो दिन में 210 कंपनियों के साथ एमओयू हुआ है। और उस 210 कंपनियों में आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ 121 एमओयू सिर्फ अपने इंडस्ट्री के लिए हुआ है और हेल्थ के लिए 6 या 8 एमओयू हुआ है, एजुकेशन के लिए 8 से 10 एमओयू हुआ है, आप इन्वायरमेंट के लिए भी शायद 8 या 10 या 16 तक के भीतर में एमओयू हुआ है। बाकी जो एमओयू हुआ है एग्रीकल्चर के लिए सिर्फ 1 एमओयू हुआ है। 210 एमओयू में से कंपनियों में से जो एमओयू हुआ है उसमें से सिर्फ 1 एमओयू हुआ है एग्रीकल्चर के लिए। तब हम लोग सोचते हैं कि अच्छा तब ये जो मैंने भारत का विकास की हम बात करेंगे तो हम नूडल से केवल भारत के विकास नहीं कर सकते हैं। आप 1 रुपया किसानों को अनाज दे के कब तक चलाएंगे, जब तक आप मैंने किसानों के हाथ में जमीन है, जंगल है, नदी है, पहाड़ है, उसको आप सुरक्षित नहीं रखेंगे तो आप 1 रुपया का अनाज बाहर से कब तक लाएंगे, ये संभव नहीं है। तो आज हम लोग ये करते हैं कि आप, उसके पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि दो दिन में 210 कंपनियों के साथ एमओयू हुआ जिसमें 121 एमओयू आपका इंडस्ट्री के लिए हुआ, 1 एमओयू आपका एग्रीकल्चर के लिए हुआ। उसके पहले 104 से 5 एमओयू बड़े बड़े कंपनियों के लिए हुआ है। तो हम लोग ये कहते हैं फ्यूचर, मैंने भारत के फ्यूचर की बात करते हैं तब हम लोगों को लगता है कि हम भारत का फ्यूचर हम किसको करते हैं। तो भारत का ऐसा फ्यूचर जहां पर कोई 1 इंच जमीन नहीं होगा, कहां पर कहीं पर 1 पहाड़ नहीं होगा, जहां पर 1 नदी नहीं होगा, कहीं पर 1 किसान नहीं होंगे, आप ऐसे भारत का फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो भाई ये भारत आपका है, तब ये भारत किसानों का नहीं है और ये भारत वो गांवों का नहीं होगा। तो ये मैं जब आप एक दिन में किसानों का जमीन आप हस्तांतरण करने के लिए डीसी को तमाम अधिकार दे दिए हैं और आज की तारीख में पूरे झारखंड में झगड़ा चल रहा है, किसान बोल रहा है कि हम जमीन नहीं छोड़ेंगे, गांव नहीं छोड़ेंगे, नदी और पहाड़ नहीं छोड़ेंगे, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, हम गांव के साथ विकसित होना चाहते हैं, जंगल के साथ विकसित होना चाहते हैं, एग्रीकल्चर के साथ विकसित होना चाहते हैं, लेकिन सरकार का मानना है कि नहीं हमारा डेवलपमेंट का रास्ता अलग है। तो आज सरकार और गांव वाले लोग, चाहे आदिवासी हो नॉन आदिवासी हो, हम लोग एक दूसरे के मैंने विरोध में खड़े हुए हैं। आज ऐसा लग रहा है कि पूरे देश की बात करें तो आज गाय का जिंदगी सबसे बेहतरीन जिंदगी है। अब हम लोगों को भी लगने लगा है कि हम इंसान क्यों पैदा हुए, अगर हम गाय पैदा हुए रहते तो कम से कम आज हमारे लिए एक पॉलिसी बनता और पूरे भारत में हमारा जय जयकार तो होता है। वजह की मां आदिवासी और हम किसान पैदा हो गए हैं, आज हम आदिवासी और किसान हैं, हम खेत को बचाने की बात कर रहे हैं तो हम देशद्रोही हो रहे हैं, माओइस्ट के नाम से हमारे ऊपर में कई केसेस दिए जा रहे हैं और दूसरे तरफ हम एक गाय के लिए, हम नहीं कह रहे हैं लेकिन गाय के साथ हमारे साथ बकरी भी है,
हमारे पास भैंस भी है, हमारे साथ मुर्गी भी, हमारे साथ सुअर भी है, हमारे पास कबूतर भी है, हमारे साथ सब कुछ है। उनकी भी संरक्षण की बात हम लोग करना चाहते हैं, उसको भी मान और सम्मान के साथ उनको भी जिंदगी देने की बात कर रहे हैं, तब हम एक मतलब गांव की रक्षा की बात हम कर सकते हैं। आज आज की तारीख में गांव में की तमाम जो अर्थव्यवस्था है वो आने वाले 10 साल के भीतर में पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। पेड़ पौधों में भी हमला शुरू हो गया है। आप लोग अपने गूगल में आप लोग जाइए और वनोपज को आप लोग देखिए कि ग्रामीण क्षेत्र में अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा रीढ़ होता है वनोपज होता है, और गांव में महुआ है, डोरी है, आम है, ये सबसे बड़ा मतलब संसाधन के रूप में है। लेकिन आज की तारीख में महुआ का आज महुआ पेड़ को भी आप सरकार हमारे झारखंड सरकार बोल रही है कि आप महुआ के लिए भी कानून निकाल दिया है, बोल रहा है कि महुआ आप गांव वाले लोग किसान अपने पास 15 किलो रखेंगे और हर गांव में आप हर किसान के पास 5 क्विंटल 6 क्विंटल 10 क्विंटल तक महुआ होता है। और जब महुआ का फूल ताजा में बिकता है तो 8 से 10 रुपया केजी बिकता है, और उसको जब 6 महीना लोग रखता है तो 80 रुपया केजी बिकता है। लेकिन आज की तारीख में सरकार उसमें भी कानून ला दिया है कि 80 रुपया आप महुआ लोग नहीं बेचेगा, अब उसको सरकार बेचेगा। मेरे मित्रों, अब फुटपाथ में शराब भी सरकार ही बेचेगी, अब तमाम चीजें वो सरकार के हाथ में है। आज की तारीख में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ऐसे परिस्थिति में जब हम बात करते हैं तब हमें लगता है कि हम कहां पर खड़े हुए हैं, क्या हमारे लिए कोई कानून है, नहीं है। और आज पैसा की बात लोग बोलते हैं, पैसा कानून की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। अब हम लोग का जितने भी आदिवासी समाज है वो त्राही त्राही मचाए हुए हैं, और आज की तारीख में एनजीओ जो जनता की बात करती है, जनता का प्रवक्ता होके कुछ कुछ एनजीओ जनता के साथ खड़ा होके काम कर रहे थे, पूरे देश के एनजीओ में बैन लग गया है। हेल्थ के क्षेत्र में पहले सरकारी अस्पताल जाते थे, अब तो हम लोग नहीं जानते हैं, मेरे जैसा आदमी को बार बार 3P का मैं स्पेलिंग उच्चारण करने की कोशिश करती हूँ और एक एक शब्द को मैं ढूंढती हूँ कि पी का मतलब क्या होता है, मैं भूल जाती हूँ। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फिर मैं बोलने सुरक करती हूँ तो फिर 3P याद आता है, लेकिन उसका जो नाम है ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वो भूल जाते हैं। लेकिन आप अच्छी तरह याद आता है 3P को, गाँव के लोग जानने लगे हैं, शहर के लोग जानने लगे हैं। असली की बोल रहा है कि सबको स्वच्छ पानी पिलाने के नाम पे सबके घर में टैप लगा दिया और पानी का आज की तारीख में हमारे अपने मित्र 60,000-70,000 रुपया आज पेमेंट कर रहे हैं। नगर निगम का टैक्स बढ़ाने के लिए बोल दिया कि नहीं, टैक्स तो बढ़ाना है और देश का भलाई करना है, लोगों को सेवा करना है तो यूजुअल चार्ज देना पड़ेगा। क्या है यूजुअल चार्ज भाई, नहीं जानते हैं, अंग्रेजी भी ठीक से नहीं आता है, लेकिन अब हम लोग को इतना ही समझ में आता है कि अगर हम बिजली जला रहे हैं तो 4-5 कंपनियां उसमें इन्वॉल्व है, वो लोग अपना मेहनताना का पैसा लेंगे, सब पैसा लेंगे। और हमारे यहाँ अभी हमारे मित्रों के यहाँ मैंने लोग बोल रहा है कि हम 2012 से आपका टैप लगा दिए हैं, पानी आया ही नहीं, 2007 से टैप लगा दिए पानी आया ही नहीं, लेकिन उनके घर में 48,000-60,000-70,000 का बिल जा रहा है। नगर निगम हमारे होटल में नगर निगम के लोग आते हैं, अभी तो मित्रवाद बात होते रहती है, मैं उन लोगों को पूछती हूँ, 3 तरह का एक ही कंपनी 3-4 का ये ड्रेस पहन के आता है, कूड़ा उठाने के लिए आता है वो अलग ड्रेस पहन के आता है, और जिस दिन वाटर कनेक्शन का बिल लेके आता है उस दिन अलग ड्रेस लगा के आता है टी-शर्ट, जिस दिन इलेक्ट्रिसिटी का बिल लेके आता है उस दिन अलग मैंने ड्रेस लगा के आता है। तो मैं बोलती हूँ कि आज आप कौन सा बिल लेके आए हैं, तो वो लोग जैसे मुझको देखते हैं तो बोलते हैं कि दीदी आप तो बड़ा जोक करते हैं। मैं बोले कि हाँ जोखी तो रह गया, आप जिंदगी जोखी से भरा हुआ है। तो हमारे मित्रों का, अपने पत्रकार मित्रों का 2 महीना में 26,000 इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है, 2 महीना में 26,000। मेरे मित्रों 3 PP को तो लोग नहीं जानते हैं, मुझको भी उच्चारण करने में दिक्कत होती है,
लेकिन ये बिल तो समझा देता है कि हाँ ये तो तीन पी क्या होता है। तो आज की तारीख में हम कहां पर खड़े हैं, इसीलिए आज हम लोग ये कह रहे हैं कि आज हमारा इंटरेस्ट पब्लिक का इंटरेस्ट गॉन हो गया है और सब पी 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 और तमाम जो लोग हैं बड़े बड़े सेक्टर हैं उनका पहला प्रॉफिट बनाना है उसके बाद पब्लिक। अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, मुझको लगता है कि आप लोगों को भी सोचने की जरूरत है और हम लोग को भी सोचने की जरूरत है। सबका निदान एक ही है, हम लोग जब जान रहे हैं कि अगर इतना तमाम उठा पटक हो रहा है तो इन उठा पटक को सीधा करने के लिए भी मुझको लगता है कि जहां से ये कानून बन रहा है बिगड़ रहा है वहां पर आपकी भागीदारी कैसे होगी, हमारी भागीदारी कैसे होगी बिना भागीदारी निभाए, सच मुझे नहीं लगता है। एक बार तो आप लोगों ने यहाँ पर साथी लोग बैठे हुए हैं, एक भागीदारी हम लोगों ने निभाया, हम लोगों ने उम्मीद किया था कि एक ऐसी भागीदारी होगी जहां पर जनता की जनता का अपना एजेंडा होगा, जनता अपना एजेंडा के साथ संसद को अपने तरह से चलाएंगे, संसद में अपनी तरह से अपनी भाषा बोलेंगे और गांव में भी अपनी भाषा हम बोलेंगे जहां पर सही में स्वराज की बात होगी। लेकिन हम लोग एक तरफ देखे हो सकता है कहीं हम लोग थोड़ी देर के लिए सफल भी हुए और असफल भी हुए, लेकिन आज की तारीख में अगर हम जहां सत्ता से ही तमाम चीजें बन रही हैं बिगड़ रही हैं तो अंतिम में हमारे पास जो सर्वेशन है तो मुझको लगता है कि हमें फिर से सोचना चाहिए कि वहां पर आपकी भागीदारी कैसे होगी। और विशेष करके आप एट के जो पढ़े लिखे साथी हैं जो आईटी इंजीनियर हैं उन्हीं के हाथ में सारा चीज चल रहा है। अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव के बाद तो विशेष करके चीजें आप लोगों के हाथ में हैं, पूरा दुनिया चैलेंज दे रहा है, सत्ता के पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। तो हम लोग भी ये सोचते हैं कि आईटी इंजीनियर हमारे कहाँ चले गए, वो चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए और उनको देखना चाहिए कि हम लोग जब कह रहे हैं ऐसा बात तो आपको भी ये कहना चाहिए कि ऐसा हो सकता है। और इनमें भी तमाम भ्रष्टाचार की बात होती है, ये कैशलेस की बात होती है, कैशलेस से ये भ्रष्टाचार खत्म होगा। मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, मैं गांव से आती हूँ, आज शहर में ये भ्रष्टाचार कितना खत्म हुआ है मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन आप गांव में चले जाइए तो आज कैशलेस से और ये जो ऑनलाइन से तमाम भ्रष्टाचार इतना 10 गुना बढ़ा हुआ है मेरे मित्रों, आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। और इतना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है आज की तारीख में एक स्टूडेंट को अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनाने के लिए, अपना कस्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए, अपना करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए, आज ये जो ऑनलाइन में बोलते हैं कि नई साफ सुथरी सरकार आएगी हमारा ऑनलाइन सब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, ये जो क्या बोलते हैं इसको ऐसा ऐसा करके वो बायोमेट्रिक बोलते हैं ना, तो इससे मैंने सब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा बोलते हैं। आप अंत्योदय में भी अनाज देने के लिए ऐसा टेपा लगा रहे हैं, लेकिन आप इमेजिन करते हैं एक किसान जिन जो पढ़ने नहीं जानता है लिखने नहीं जानता है उनके साथ जो सदियों से जो उनके साथ चिट होते आया है वो ऐसा तो कर देता है, खेपा तो उसी का होगा, लेकिन वो जो कार्ड में कितना अनाज लेके गया जहां पर 35 किलो अनाज देना था उनको आज भी 10 किलो मिल रहा है लेकिन खेपा इन्हीं का है। हम इससे कैसे सर्टिफाई कर लेते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, आज हम कैसे कह लेते हैं कि कितने वर्कर हैं जो आपका 10 बजे घुसते हैं, घुसने के समय ठीक है खेपा मार के निकलते हैं और आते समय उसी दिन एक बैंक का साथी आप निकल के चला आया हम लोगों के साथ बात करने के लिए, आधा घंटा के बाद उनको याद आया कि उन्होंने निकलते समय ऐसा नहीं किया, तो बोले हम अपना ये निकलने के समय ऐसा नहीं करके आए हैं, वो आधा घंटा के बाद में गया और फिर ऐसा करके आया। हम कैसे कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार आप खत्म कर रहे हैं, आज कैसे हम कह सकते हैं कि ये जो कैशलेस से भ्रष्टाचार खत्म होगा, कैशलेस तो गांव के किसानों को ऐसा बेमौत मार दिया कि किसान बड़े बड़े किसानों का जहां अखबार वाले आज तो अखबार वही बात कहेगा जो मोदी कहेगा, मोदी से आजू बाजू उसके बगल का कोई भी बात नहीं कहेगा, इतने किसान लोग हमारे झारखंड में गुस्सा से टमाटर को मैंने हजारों क्विंटल टमाटर को रोड में बिछा देता था कि जाओ तुम अपना रोड में मैंने गाड़ी चलाओ, हम किसान मर गए, अब किसी के पास पैसा नहीं तो खरीदेगा कौन, समय में जो
अवचित रहता तो प्रिजर्व करके रखता, सरकार तो आज तक भी मैंने कोल्ड स्टोरेज भी नहीं बना के रखी है। तो आज की तारीख में तमाम चीजें चाहे कैशलेस हो, उससे कोई भ्रष्टाचार खत्म होने वाला नहीं है। चाहे तो हम बायोमेट्रिक सिस्टम की बात करें, उससे भी भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा है। आज की तारीख में एक बच्चा का जो बेरोजगार है, वो बच्चा सर्टिफिकेट उनका बनता था अप्ले मैंने इसके लिए नौकरी का आवेदन देने के लिए, जो 100 रुपया में बनता था, आज की तारीख में उसी को 500 रुपया दे के बना रहा है। और आज की तारीख में वो लोग जब अनाज लेने वालों को भी लोग गांव से आते हैं, बोलते हैं कि दीदी हम लोग का तो मतलब वो लोग बोल रहे थे कि गेहूं लेने के लिए गए थे तो इतना बड़ा डब्बा को लेके गया डीलर, और बोलता है कि नहीं ऐसा ऐसा किया, बोला कि नहीं यहाँ तो ले नहीं रहा है, ऐसा ले नहीं रहा है तो पहाड़ में लेके गया, और बोलता है कि नहीं यहाँ पर वो खत्म हो गया है, वो नेट खत्म हो गया है, सबको मैंने 100 निकालो और हम यहाँ पर नेट लगाएंगे। 100 रुपया निकाल के देता है गांव वाला लोग, तब ऐसा करता बोलता हाँ अभी ठीक है, थोड़ा देर के बाद फिर बोलेगा कि नहीं खत्म हो गया, इसमें और पैसा लगेगा। जमीन रजिस्ट्री करने के लिए रजिस्ट्री ऑफिस जाएगा, तो जब गांव के किसान जाएंगे तो वो लोग बोलेगा रजिस्ट्री ऑफिस में बोलेगा कि ना लिंक फेल हो गया, वो कोई बोलेगा डोंगल काम नहीं कर रहा है, तो गांव के लोग थोड़ी जानते हैं कि डोंगल क्या होता है या तो इंटरनेट के क्या होता है, वो लोग बोलते हैं कि डोंगल खराब हो गया, बोले बाजार से डोंगल लाना पड़ेगा, डोंगल का दाम 2000 है, फिर वहां पर कलेक्ट करता है 1000-2000 हो जाए 2 मिनट में, लोग मार्केट जाते भी नहीं है, फिर 2 सेकंड में उन लोगों का डोंगल भी चलता है और काम भी हो जाता है। थोड़ी देर के बाद फिर दूसरा ग्रुप आएगा तो बोलेगा कि नहीं इंटरनेट का पैसे खत्म हो गया, फिर पैसा कलेक्शन करेगा, फिर वहां पर मैंने इंटरनेट थोड़ा देर के लिए चलेगा। मेरे मित्रों, भ्रष्टाचार जब तक भीतर से मन और आत्मा से खत्म नहीं होता है, हमारा सोच में परिवर्तन नहीं होता है, ये भ्रष्टाचार चाहे कैशलेस की बात हो, चाहे तो ये जो ऑनलाइन तमाम चीजों को करने की बात हो, भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। तो आज चीजें इस तरह से चल रही हैं। मैं कुछ हमारे साथ इधर किरण है, हम लोग जब संविधान परिवर्तन करने की बात जब हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग को भी जाना चाहिए, कानून बनाने में भी हमारी भूमिका होना चाहिए, तब हम लोग बहुत तो सोचते थे कि हाँ बहुत आसान है, लेकिन चीजें उतनी आसान नहीं है। तो मुझको लगता है कुछ उस समय भी बहुत सारे वॉलंटियर ऐड के गए थे, गांव तरफ गए थे, हमारे साथ एक था वॉलंटियर, आपके यहाँ से अपना निजी छुट्टी लेके भी गए थे। मुझको लगता है कि विनय भट्ट जैसे लोगों से पूरे ने एक चुनाव प्रक्रिया कैसे चलता है, गांव में चुनाव की प्रक्रियाएं कैसे चलती हैं, कैसे उग्रवादियों से रूबारू होना पड़ता है, कैसे माफियाओं से रूबारू होना पड़ता है, मुझको लगता है ऐसे साथियों का भी एक्सपीरियंस हमें लेना चाहिए, ताकि हम कल के एक उज्जवल भारत की, मैं उस स्वच्छ भारत की बात नहीं कर रही हूँ जो मैंने जहाँ पानी भी नहीं है, 1 लीटर पानी नहीं है, वहां पर हम स्वच्छ भारत की बात नहीं कर सकते हैं। अभी जिस तरह से घर घर में शौचालय बनाने की बात हो रही है, लेकिन उसका भी एक अपना किस्सा है, और जहाँ पर पीने के लिए पानी है सबको ही हम लोग जानते हैं टॉयलेट तो कितना लीटर, एक आदमी को स्वच्छ भारत के लिए जरूरत होता है एक टॉयलेट में, सबको जानते ही हैं। तो मैं उस स्वच्छ भारत की बात कर रही हूँ कि जहाँ पर सही में कानून व्यवस्था, जहाँ पर ह्यूमन राइट, जहाँ पर आदिवासी मूलवासी किसान और तमाम जो लोग हैं, हम लोगों के अधिकारों का मान सम्मान के साथ रक्षा हो, ऐसे भारत की हम लोग कल्पना करते हैं, अभी भी मैंने खोए हुए नहीं हैं। तो अंतिम में मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात कहना चाहती हूँ, और मैं कुछ कागजात आप लोगों को सिर्फ दिखाना चाहती हूँ, ये जो कागजात है जिसको गाँव के लोग नहीं पढ़ सकते हैं, जिसको जमीन ट्रांसफर करने के लिए लैंड बैंक बना के गांव सरकार कहती है कि आप गूगल में जाओ और तमाम चीजों को मैंने एक चुटकी में आपको जमीन मिलेगा, और ये सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही जानते हैं। तो इसको मैं जब निकाल के ला रही थी तो साथी मुझको हंस रहे थे
कि तुम वहां जा रही हो ये कागज सबको निकाल के काहे ले जा रही हो. तो मैं उन लोगों को बोली कि नहीं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग तो नेटे में केवल जानते हैं, लेकिन इसको मैं उठा के कागज के रूप में ला रही हूँ इसलिए कि लोगों को दिखाना है कि किस तरह से हमारा देश का शासन व्यवस्था चल रहा है और किनके लिए ये शासन व्यवस्था चला रहा है. तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ. और ये मैंने इस बीच में एक किताब 2014-15 में मैं लिखी कि किस तरह से जमीन किनके लिए लूटा जा रहा है ऑर्डिनेंस ला के, ये मैंने लिखा. और इसमें तमाम जो संशोधन के जो पहलू हैं उन संशोधनों को मैं लिखने का कोशिश की. ये सिर्फ किसानों के लिए इसीलिए मैंने इतना छोटा पेज था कि गांव के लोग इसको सीधे से पढ़ें और पढ़ के मैंने आधा घंटा एक घंटा में पढ़ के खत्म करें. और इसमें किस तरह से अभी जमीन अधिग्रहण जिस तरह से सीएनटी एक्ट एसपीटी एक्ट में संशोधन किया गया है और ये जो लैंड बैंक क्यों बनाया गया है, किस तरह से बनाया गया है, किसके लिए बनाया गया है और ये किस तरह से रातों रात हस्तांतरण हो रहा है. तो ये मैं आप लोग भी पढ़ेंगे, गांव वाले तो पढ़ते ही हैं लेकिन आप लोग भी पढ़िए, मैं आज के लिए लेके आई हूँ. हम लोग तो गांव में छपाई का खर्च हम लोग लेते हैं, आप लोगों के लिए तो इसमें कोई खर्च नहीं. आप लोगों का तो मुझे नहीं पता है कि डॉलर में कितना होता है. ये हमारा गाँव के गाँव वाले किसान हमको छपाई खर्च 30 रुपया देते हैं, जहां पर देने के जैसा 30 रुपया उनके पॉकेट में होता है तो देते हैं, नहीं रहता है तो गांव वालों को पढ़ना ही है तो वहां पर ऐसे ही दे देते हैं. तो आप लोगों के बीच में लाए हैं. अंतिम में मैं विशेष रूप से आज जब आपके बीच में आए हैं तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूं. और हमारे बीच में मैं निजी लाइफ पर एक सेकंड आप लोगों को कहना चाहती हूँ, इसलिए कि जिस लाइन में मैं चली हूँ मुझको लोग पूछते हैं तुम्हारे कितने बच्चे हैं. मैं हमेशा बोलती हूँ कि राज्य में 3.25 करोड़ की जनता है तो 3 करोड़ तो मेरे नहीं है, 3.25 करोड़ तो नहीं है, लेकिन 3 करोड़ मेरे बच्चे जरूर है और वो 3 करोड़ मेरे बच्चे हैं और उन्हीं के लिए मैं पूरा लाइफ भर मैं जी और हर श्वास हर कदम मैं चली. बीच में मेरा अपना निजी लाइफ में 2016 में एक घटना घटा. हम लोग दो ही हैं, मेरे पति हैं नेल्सन और मैं हूँ. मार्च महीना में फिजिकली घटना घटा, तब ऐसे समय में भी संकट के समय में यहाँ हमारे बीच में नितिन है नीला संयोग से वहीं पर थी. लगातार इन्होंने फोन पर फोन करते रहे, बोले कि दीदी हम लोग आपके साथ हैं. विनय अभी हमारे बीच में नहीं है, आप विनय भी यहीं पर कहीं रहता है. लगातार फोन में मुझे ढाड़स बंधाते रहे कि इस घड़ी में हम लोग आपके साथ हैं. और मैं उसके बाद से मैं पहली बार नेल्सन को लंबे समय के लिए छोड़ के आई हूँ. 15-20 दिन के लिए आप लोगों ने जब इन्विटेशन दिया और आप लोगों ने मुझसे राय मांगा कि क्या आप रह सकती हैं, तो मैं कई साथियों के साथ बात करने के बाद कई साथी मुझे इजाजत नहीं भी दे रहे थे कि इस घटना के बाद उनका बाईपास होने के बाद लंबे समय के लिए तुम जा रही हो और तुमको नहीं जाना चाहिए, इतना लंबा सफर तुम जा रही हो. लेकिन हम लोगों ने तय किया कि हम दोनों को सर दोबारा हम ऊपर वाले को मानते हैं जो दिखता नहीं है, आप भी उन्हीं को मानते हैं. तो हम दोनों ने तय किया कि हम लोग दोबारा फिर से उठ के खड़े हुए हैं, तो जिस समाज के लिए हम लोग खड़े हुए हैं तो हम लोगों को दोबारा समाज के लिए जाना चाहिए, समाज के लिए काम करना चाहिए अंतिम समय में भी. तो हमने इसी आशा और भरोसा से आपके बीच में आके खड़े हुए हैं कि जनता की बात को आपके बीच में मैं लाके रखूं कि झारखंड में क्या हो रहा है, आदिवासियों का क्या हो रहा है, किसानों का क्या हो रहा है, उनके इतिहास का क्या होने जाएगा आने वाले दिन में. 10 साल में आदिवासी इस देश में रहेंगे नहीं रहेंगे, किसान रहेंगे नहीं रहेंगे, और इस देश की जनता, इस देश का लोकतंत्र जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, इन बातों को बोलने के लिए ही मैं आप लोगों के
बीच में आई हूं तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूं और इस उम्मीद के साथ कि आप और मिलके आप हम लोग मिलके सही मायने में हम इस भारत का लोकतंत्र को हमको जिंदा रखना है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं लेकिन इन चैलेंजों के बीच में हम कैसे खरा उतरेंगे ये हमारा और आपके बीच में हमको तय करना है। परीक्षा की घड़ी है और हर परीक्षा में हम लोग आगे निकलने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि अपने भारत के लिए अपने देश के लिए अपने गांव वासियों के लिए किसानों के लिए खेत के लिए मजदूर के लिए हम लोग भी खरा उतरेंगे। कल बच्चे हमसे सवाल कर रहे थे बात कर रहे थे हम लोग तब बोल रहे थे कि पानी कैसे प्रिजर्व होगा। हम लोगों का तो एक ही है कि जहां जंगल है जमीन है नदी है पहाड़ है तो हर किसी के थाली में अनाज आएगा हर किसी के घर में पानी जाएगा और ये जंगल और जमीन नहीं रहेगा तो वो पानी भी नहीं रहेगा इस धरती में और हमें अनाज भी नहीं मिलेगा। तो जरूर हम रियलाइज करेंगे कि वो आपके थाली में कौन सा किसान चिलचिलाते धूप में खेत में मेहनत कर रहा है उसका अनाज आपके देह में जा रहा है और वो खून बन रहा है उस चीज को भी और उस ये को भी हमको देखने की जरूरत है कि हाँ सही मायने में हम तब लगेगा कि हम समग्र झारखंड और समग्र देश के विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को आप लोगों में धीरज के साथ शायद मेरा समय खत्म हो भी गया है बोलने का लेकिन मैं बोलते ही जा रही हूँ। मेरी कुछ ऐसी ही आदत है और मैं चाहती हूँ कि जब मैं आई हूँ तो मैं बोलूंगी तो मैं लड़ते रहती हूँ गाँव में भी कि नहीं आपको सुनना है आपको अच्छा लगे ना लगे फिर भी आपको सुनना है। तो मैं आपने बोलते गई आपने सुना और जो इस राज्य के लिए देश के लिए अच्छा है आप जरूर उन जो चैलेंज है उनको स्वीकार करेंगे और उसके लिए काम भी करेंगे। आप लोगों को जोहार। जिंदाबाद दयामणि दीदी जिंदाबाद सुंदर।